सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों आजकल प्रिंटर कितना ज्यादा यूजफुल है और कितना ज्यादा जरूरी है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में प्रिंटर यूज करते हैं या फिर अगर आप ही बाहर जाते हैं और आपको प्रिंटर यूज करना होता है तो ऐसे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में गूगल क्लाउड प्रिंट क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है और आप इसे किस तरह यूज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल क्लाउड प्रिंट क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है और किस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। तो आज के समय में प्रिंटर यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने घर में या फिर ऑफिस में एक प्रिंटर पड़ा हुआ है तो आप आसानी से अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करके एक केबल के थ्रू या फिर आप चाहे तो वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके घर या फिर ऑफिस में जो भी प्रिंटर पड़ा हुआ है वो प्रिंटर सिर्फ आप अपने घर या फिर ऑफिस में ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाना हो और आपको प्रिंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ऐसे में आप अपने साथ प्रिंटर तो लेके घूम नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होता है। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने घर या फिर ऑफिस के प्रिंटर को दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से, यानी जो भी हम प्रिंट देना चाहें वो हम दुनिया के किसी भी कोने से प्रिंट दे कमांड और वो ऑटोमेटिकली हमारे घर के या फिर ऑफिस के प्रिंटर में प्रिंट हो जाए। तो दोस्तों यहीं पर काम आता है गूगल क्लाउड प्रिंट। इसकी मदद से बहुत आसानी से आप दुनिया में बैठे कहीं पे भी हो आप अपने घर या फिर ऑफिस के प्रिंटर को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यूज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त हो या फिर कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो या फिर कोई कोलीग हो जो आपको किसी दूसरे कंट्री या फिर दूसरे स्टेट से आपके प्रिंटर पे कमांड देना चाहता है, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो कमांड आपको देना चाहता है, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्रिंटिंग की मदद से। इसके अलावा एक और यूज है गूगल क्लाउड प्रिंटिंग का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके घर या फिर ऑफिस में सिर्फ एक ही प्रिंटर पड़ा हुआ है और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम पड़े हुए हैं और वो प्रिंटर सिर्फ एक ही सिस्टम से कनेक्टेड हुआ पड़ा है लेकिन आप उस प्रिंटर को सभी कंप्यूटर सिस्टम से यूज करना चाहते हैं, यानी सभी कंप्यूटर सिस्टम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्रिंटिंग की मदद से। तो बेसिकली गूगल क्लाउड प्रिंटिंग का यही यूज है। आइए अब हम सीख लेते हैं कि किस तरह आप यूज कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्रिंट को अपने कंप्यूटर से। गूगल क्लाउड प्रिंटिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एडवांस सेटिंग्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा गूगल क्लाउड प्रिंटिंग का, जिसमें लिखा होगा सेटअप और मैनेज प्रिंटर। तो आपको यहाँ पर बेसिकली मैनेज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप मैनेज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे ये बोलेगा कि अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड कीजिए या फिर अगर आपके कंप्यूटर में पहले से प्रिंटर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है यानी ऐड है तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ऐड प्रिंटर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद अब आपसे ये बोलेगा कि अपना जीमेल आईडी पासवर्ड एंटर कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। तो जैसे आप अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंटर रजिस्टर के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ऐड प्रिंटर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा योर प्रिंटर आर नाउ रजिस्टर्ड विद गूगल क्लाउड प्रिंटिंग। इसका मतलब यह है कि आपका जो भी प्रिंटर है वो गूगल क्लाउड प्रिंट से रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर आप इसे मैनेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी कंप्यूटर के प्रिंटर है वो यहाँ पे कनेक्टेड आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रिंटर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये प्रिंटर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम होगा इनवाइट पीपल। अब आपको यहाँ पर जिस किसी भी इनवाइट करना चाहते हैं यानी जो भी आपका प्रिंटर यूज करना चाहता है उसका यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पर सिंपली हम ईमेल आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद आप शेयर पे क्लिक करके इस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जिस किसी को भी आपने ये मेल भेजा है उसके पास एक ईमेल गया होगा तो वो आपके प्रिंटर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको वो ईमेल आईडी में लॉगिन करके दिखाता हूँ जिसमें आपने प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए परमिशन दिया है। तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी को हम ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इस ईमेल आईडी को ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा गूगल क्लाउड प्रिंट की नोटिफिकेशन की तरफ से, तो आपको इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्रोम ब्राउजर में ये प्रिंटर ऐड हो जाएगा। तो जैसे वो यूजर ऐड प्रिंटर पे क्लिक कर देता है उसके बाद उसके ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली वो प्रिंटर ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो यूजर आपके प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, लेकिन उसके लिए दोनों के सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आप गूगल क्लाउड प्रिंट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल क्लाउड प्रिंटिंग क्या होता है, इसे आप किस तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।